आज तो यही मुझे लग रहा है रुकना पड़ेगा। टू व्हील ड्राइव ना, टू व्हील में चलो ट्राई करो। भाई यहाँ की नजारे देख लो भाई, क्या जबरदस्त नजारे हैं यार, अमेजिंग। देखो फुल बर्फ बर्फ है यार यहाँ पे ना, बिल्कुल ठंडी नहीं लग रहा है, ठंड बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन ये ना पैच पूरा जैसे ग्लास है ना, ग्लास बोलते ही गिर गया भाई। ग्लास बोलते ही गिर गया। सही में दिखा दिया यार। अरे घुस गया भाई बर्फ, मैंने देखो भाई बिलीव नहीं करा, तौले पूरा आइस, देखो अंदर पूरा आइस है, देखो पूरा आइस ही है, ये देखो भाई क्रिस्टल आइस है पूरा। प्रेम भाई हाँ, नहीं नहीं लेना नहीं है। प्रेम भाई पूरा ना नीचे पूरा आइस ही है, नहीं नहीं पूरा ये जो रोड है ना पूरा ट्रांसपेरेंट ग्लास दिख रहा है। हाँ चलो एक गिरने का एक्सपीरियंस भी हो गया, क्या मजेदार है यार। भाई बिलीव करो, देखो टी पोछी की देखो पड़ी जीव। हाँ हाँ कैसा लग रहा है? अरे प्रेम भाई मजेदार, एकदम मजेदार। एकदम भाई साहब। तो देख लो कितने कितने बर्फ में हम स्कॉर्पियो लेके जा रहे हैं, एकदम जबरदस्त लग रहा है। ये जगह का नाम जो है उदयपुर है, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है, लाइफ की पहली बार स्नो ड्राइव है, फुल स्नो ड्राइव, एंड वो भी स्कॉर्पियो पे पहली ड्राइव है। बहुत मजा आ रहा है यार, बहुत मजा, बहुत खुश लग रहा है। मजेदार। सो दोस्तों हम लोग यहाँ पे आए हैं, त्रिलोकनाथ टेम्पल है शिव जी की। प्रेम भाई क्या बोल रहे थे आप, मतलब स्पेशलिटी? स्पेशलिटी ये कि भी इसको दो धर्म, बुद्धिज्म एंड हिंदुज्म, दोनों इसको वर्शिप करते हैं और दोनों का एक साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो लॉर्ड शिवा है हाँ, उनके यहाँ पर माता बुद्ध का स्टैचू है। हाँ। तो इस तरह के स्टैचू बहुत कम दिखने को मिलते हैं। ये कहा जाता है कि इसको चंबा के राजा ने बनाया है इसको। ओहो अच्छा, क्योंकि चंबा की रियासत में था ये। हाँ हाँ ओके सही है। यहाँ जाने के लिए ऐसा है, बर्फ क्रॉस करना पड़ता है। So, इस तरह से क्रॉस करना पड़ता है जाने के लिए। बढ़िया है यार। So, यहाँ पे हम लोग आए हैं बाबा त्रिलोकनाथ जी की टेंपल को, यहाँ पे कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो बना सकते हैं, अंदर नहीं बना सकते। अंदर टेंपल है, बढ़िया दिख रहा है, कितना पीसफुल लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। शिवलिंग जी है यहाँ पे, जितने कंटेंट कम पड़ेगा भाई, माने कौन लागू जी गाड़ी चल रही है। दोस्तों अब जो है डिसेंट होने वाला है और थोड़ी सी स्लिपरी सरफेस रह सकता है, इसलिए हम लोग जो फर्स्ट गियर हाई में है, ठीक है। हाँ थोड़ा कंट्रोल कर करके जा रहा है। वाह क्या मजेदार ना, क्या मस्त है, ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। ये वाला मेरा मतलब
ऐसे ही ना। हाँ, और साइड में अगर फोटो लेना साइड में। हाँ हाँ हाँ, क्या दिख रहा है ना देवकर, थोड़ा सा बोनेट ना दिखने से अच्छा दिखता है देवकर, गाड़ी की मूवमेंट भी आता है। अपना वाटरफॉल भी दिखा दो, कहाँ दिख रहा है, जबरदस्त दिख रहा है। आपको कुछ भी फीलिंग में भी डिफरेंस नहीं है। बात बोलूं, हां ये जो टर्न आता है, हां राइट, हां टू व्हील में जाओगे अगर नहीं होगा क्या होगा, हां राइट स्लिप करेगा। अच्छा देख लेते हैं वो भी। देखो अगर तुम थोड़ा जोर से एक्सेलरेटर, देखो ब्लैक ऐसा है नहीं, लेकिन एक्सेलरेटर जोर से क्यों देना है। हां वो नहीं, नहीं वो, हां मतलब हां ऐसे हम लोग स्नो पे धीरे-धीरे लेके जा रहे हैं। हां और ज्यादा से तो वर्स्ट केस क्या होगा, खड्डे में जाएगा खाई में। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि अभी तक तो हम लोग कहीं भी एक्सेलरेटर जोर नहीं दे रहे, इवन फोर व्हील पे भी नहीं दे रहे हैं, तो फिर टू व्हील में क्यों देना है, और भी स्लो कर देता है। क्योंकि वही है कि चारों टायर से होता है। हाँ ये तो हो गया फिर, है ना आराम से। हाँ हर तरह की एक्सपोजर मिल रहा है ना, पत्त में जो बर्फ है क्या मस्त दिख रहा है। यहाँ पे देखो पेड़ पूरा हरा भरा है। अरे हाँ तो इस तरह पूरा हरा भरा है। सही बात है, ये एक अलग व्यू है, मतलब ग्रीन के अंदर ऐसे स्नो में राइट। यहाँ के सीन्स थोड़ा देख लो, ये और एक डिफरेंट टाइप का है, जैसे ये क्या पता देवदार या कुछ देवदार पेड़ है। देखो ये टॉल टॉल ट्रीज है, बीच बीच में स्नो भी दिख रहा है यहीं पे। अच्छा यही मनाली है, मिनी मनाली, रुक गए मिनी मनाली में, रुक गए। चलो पूरा नीचे ही ले लेते हैं, ठीक है ले लिया भाई पूरा। ओ इसमें बड़ा बड़ा पत्थर लेकिन लगा नहीं, वो तो वही पे जो था ना छोटा। अब ये सब भी बर्फ, ये देख के तो लग रहा है ये जगह शूटिंग पॉइंट है, बहुत बढ़िया लग रहा है सीनरी। शूट वूट होता है, अंदर जाना है। ओहो अच्छा यहीं पे विकास ये लोग आए थे समझे। कौन विकास? एक्सप्लोर द अनसीन। देखो पत्थर दीवार कर वो बोला जाएगा, नहीं जगह काफी जगह कभी है जा लेफ्ट ना जाएगा। हां हां जाओ अभी स्ट्रेट ओके अभी स्ट्रेट मुझे तो वो चीज अच्छा ही नहीं लगता है बिल्कुल नहीं। जो चीज भाई देखो गाड़ी डैमेज करेगा वो बिल्कुल नहीं करता हूँ। क्या बात है यार, क्या मजेदार जगह है। देखो अभी तक टू व्हील में चल रहा है, यहाँ पे बनाते हैं हम लोग चाय या मैगी कुछ तो है, वो भी कर सकते हैं। चलो है ना, ये खाना हमारा बन के है ना। अरे तू चाय बना लेंगे, देखो मैंने तो टू व्हील ड्राइव में लेकर आया। मैं बोल ही रहा था अभी कि यहाँ पे तो चाय मैगी बनना चाहिए, और आपने बोल दिया पिकनिक स्पॉट है, तो अब तो पक्का बनेगा। बर्फ का मैगी बनेगा, बर्फ का। अरे भाई नीचे क्या है, पत्थर है कि क्या है? अरे वो लेके पूरा प्लेन है क्या? पूरा रहता है ना, टू व्हील में तो आ जा रहा है यहाँ पे। मैं आ गया टू व्हील में, वापस नहीं जाएगा? अच्छा थोड़ा ट्राई कर तो कहा था टू व्हील ड्राइव ना, टू व्हील में चलो ट्राई करो। अटक गए? हाँ घूम रहा है, चक्का घूम रहा है। रुको रुको रुको, अरे पूरा एकदम ही हो रहा है।
हाँ अटक गया, स्कॉर्पियो को अटका दिया बुलू भाई ने, अटक गया। फोर व्हील लगाओ एक, फोर व्हील क्या निकला? कुछ नहीं निकला, स्नो उड़ रहा है। फस गया क्या कर दिया बोलू भाई, ये तो बात है भाई, ये करना ही नहीं चाहिए। देखते हैं, काफी बर्फ है ना। हम्म, ये तो यार निकल ही जाएगा, टेंशन नहीं है, निकल जाएगा, निकल तो जाएगा। सुनो करने क्या पता है? हाँ, बेलचा लेके आएंगे। ये कुछ नहीं यार, यहाँ से थोड़ा सा ये निकालने से निकल जाएगा। ओके ना, अरे दोनों चक्का घूम रहा है एकदम फ्रीली। दब जाएगा बोलू भाई। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बेलचा आ गया। थोड़ा धक्का दो, थोड़ा धक्का दे दो। क्या कर दिया बुलू भाई आपने? अरे फंसा दिए सब लोग, मुझे बोले सर्कस करो, मान नहीं रहा था। हाँ। बोला मैं टू व्हील पे जाऊंगा, टू व्हील पे गया, फिर यहाँ रुक गया। हाँ, बस फिर और फोर व्हील में भी नहीं निकला। इतना गड्ढा हो गया, कहाँ जाएगा? थोड़ा सा मैं भी मोड टायर होने से निकल जाता था, फंस गया स्कॉर्पियो। आगे तो लो ही मत, ये क्या लोक लेना है? हाई पे लोक है, लोक है। अच्छा क्या बोनट पे मारना टायर? लोक रखो, सही हो गया। पहले लो पे रखे थे, उसके बाद हाई पे ट्राई कर रहे थे। तो ये पहली वाली एक्सपीरियंस था कि गाड़ी फंसा था, लेकिन प्रेम भाई ने थोड़ा थोड़ा जो है स्नो निकाल दिए, फटाक से निकल गए। मजा दोस्तों, यार ये बहुत गलत चीज़ है यार, ऐसे बॉटल यहाँ पे डालते हो यार, बियर वियर पीते हो आप और बॉटल को यहाँ डाल देते हो, ये क्या बात है यार। इतना ब्यूटीफुल सा जगह है, देखो वहाँ भी है क्या? क्या यार, इंसान हो कि क्या है, ऐसे क्यों करना है यार? पीते हो अपना सामान अगर लेके चले जाओगे कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी में आते हो आराम से चले जाता है, क्यों बेकार में यार? कितना ब्यूटीफुल सा जगह है देखो, यहाँ पे अगर आप कोई भी, अरे वहाँ भी है यार, क्या है यार, हर जगह ऐसे कुछ ना कुछ डाल देते हो, बहुत बुरा चीज़ है ये, मत करो यार, रिक्वेस्ट है मत करो प्लीज़। ऐसे जगह पे देखो आप अगर ऐसे कचरा करोगे, जो लोग आएंगे बाद में उनका क्या होगा? वो वहाँ पे भी है, एक सेकेंड रख के, ये मिनी मनाली है ना? हाँ, पिकनिक मनाने आते हैं लोग और
कुछ भी डाल के चले जाते हैं, वही है समझदार। हाँ लेकिन आई थिंक थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली काम, लापरवाह हो जाता है। हाँ लापरवाह, वही है बात, और कुछ नहीं। बहुत बुरा यार, इतने सारे बॉटल्स यार, लेके चला जाओगे तो कितना मतलब बढ़िया है, लेके फिर कहीं पे डस्टबिन नहीं है, सब में डाल दो, इतना ब्यूटीफुल जगह है। हाँ हाँ, कट जाएगा वो। दोस्तों हम लोग जो है यहाँ पे है, इसको मिनी मनाली कहते हैं, और मैंने स्कॉर्पियो यहाँ लेके आया और जाके यहाँ पे फंस गया। देखो यहीं पे फंस गया मैं। थोड़ा टायर चाहिए, बेटर टायर होने से अच्छा होगा। यहाँ पे यहाँ फंस गया, लेकिन बेलचा में थोड़ा सा निकालने के बाद स्नो फिर निकल गया। यहाँ पे यहीं फंस गए हम, ये पत्थर वत्थर में कुछ तो फंस गया था। चलो एनीवे निकल गया, मज़ेदार है, एक एक्सपीरियंस भी आया कि कैसे निकालना है, रिकवरी कैसे करना है, वो भी पता चल गया। हाँ भाई क्या सीन है यहाँ पे यार, अमेजिंग है, बढ़िया लग रहा है, क्या मज़ेदार सीनरी है यार यहाँ पे, पूरा फिल्मों वाला जगह है यार, जो हम लोग पिक्चर्स में देखते हैं ना कि फोटोग्राफ में, पोस्टर्स में, वॉलपेपर्स में देखते हैं, वैसी जगह। मिनी मनाली ना, लाहौल, ओके, दिस इज कॉल्ड मिनी मनाली, सो दिस इज एट उदयपुर ना, उदयपुर, उदयपुर। यहाँ पुणे लोचा है, हाँ, जो इस साइड को रास्ता गया है, हाँ, देयर लीड्स टू साचपास, ओ साचपास यहाँ से जाता है, अच्छा, ओके, साचपास से आओगे तो यहाँ से निकलोगे, यहाँ से निकलेंगे, अरे अरे अरे, वाह बढ़िया, फिर मजेदार मजेदार ग्रीन वाला सही है। तो अब जो है हम लोग है कहाँ पे, उदयपुर में, गाड़ी कुछ इस तरह से पार्क हुआ है दोनों, और हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए। प्रेम भाई क्या अरेंजमेंट है बताइए, क्या अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट क्या है यहाँ पे, अरेंजमेंट, हाँ ब्रेकफास्ट खाएंगे। अच्छा यार रात हो गई, अभी ब्रेकफास्ट खा लेंगे। हाँ अच्छा सही है, चलो वो भी ट्राई कर लेंगे, आज रात को ब्रेकफास्ट खा के सोएंगे। हाँ लेकिन प्रेम यहाँ पे थोड़ा ठंड कम लग रहा है, लेकिन देखो यार माउंटेन पीक क्या है वो, ओहो वाह, वो यार परेशान कर दिया, मैं से उधर वाला थोड़ा जमता हुआ जगह है ना, हाँ जी बोले हिंसा क्रॉस हो गए और दीवार आ गए, फिर आओ बैठो जी प्लीज, हम बैठने थोड़े हैं, खाना खाना है, जो भी आएगा आता अपने मर्जी से जाता हमारी मर्जी से, ये क्या बात हुआ। कोई बात ना प्रेम भाई को रखिए, हम लोग चलते हैं। सही है, वाह बढ़िया, ऊपर बैठना है, यही बैठेंगे ना प्रेम भाई, हाँ जूता निकाल देंगे ना, हाँ और वो भी लगाए ना, वो गर्म गर्म वाला बुखारी भी लगाए, हाँ तंदूर लगाए, मजे आ जाए। हम लोग बैंगलोर से हैं, बैंगलोर जी हाँ, कितने कंट्री घूमे, कितना कंट्री सर बताइए, आपके बारे में बहुत कुछ बोले हैं। नहीं, अब तो घर में कोई ऐसे घूमने नहीं, 47 कंट्रीज की आदत नहीं है घूमने की। सही है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं। अच्छा हाँ, मतलब ऐसा आयोजन नहीं हो पाएगा सच में, सब प्रेम भाई के लिए में हो गया है ना। देखो यार क्या मस्त वार्म लग रहा है, इसके पास बैठ के चिकन खा रहे हैं भाई साहब, जो वेज खा रहे हैं, छोटा है ना, अरे हाँ कमरे के हिसाब से तो छोटा है सही में, लेकिन फिर भी काम तो चल जाएगा, थोड़ा सा तो वार्म होगा, वो भी कमरा तो उस तरफ है। ये तो एक्सट्रीम इस तरफ हो गया। सोते कैसे है गर्मी में। रोटी सब्जी दाल और क्या क्या, देखिए सब कुछ अरेंजमेंट किए, थैंक यू सो मच भाई साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया लगा ये ना प्रेम भाई, मुझे बढ़िया क्या लग रहा है इसमें, सारे लोग जो बैठ के ऐसे नीचे खा रहे हैं ना, इसकी मजे अलग है, लगता है कि जैसे हम लोग एक फैमिली में बैठे हैं और सारे के घर के सारे लोग बैठ के आराम से गप्पे मारते हुए खा रहे हैं ना, क्योंकि आजकल क्या होगा ना, खाना जो है बहुत तेज हो जाता है, इतना बातें करके कौन खाते है ना। चलिए सर जी, हाँ हाँ प्यार से जाएंगे, नहीं ये जल्दबाजी ब्लू करता है ना, मैं कहाँ जल्दबाजी, मैं तो आप ही के पीछे पीछे रहता हूँ, टॉयलेट जाना होता है, कहाँ टॉयलेट जाना होता है। नहीं लेकिन बात सही बोले, अभी होटल पे जाने से, नहीं नहीं सुनिए प्रेम भाई, नहीं मैं तो थोड़ा खुश हो रहा था कि पाजी बोल दिए कि वहाँ पे जाने से टॉयलेट वहाँ पे पानी थोड़ा नॉर्मल आता है, नहीं तो करंट जैसा लगता है। ये आपका वो बन जाना
लाहौल जाने के लिए। हाँ ये होटल अच्छा है, यहाँ पर रह जाएंगे ना। क्या बोलोगे? हाँ हाँ वही।